बॉयज हाई स्कूल सिंबल कैंप के मैदान पर जम्मू पुलिस द्वारा दिन रात्रि शहीदों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने किया। उन्होंने कहा कि जम्मू पुलिस द्वारा एक पहल की गई है ताकि युवा वर्ग के लोग खेलों की ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार राज्य स्तर के टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। एसएसपी श्रीधर पाटिल की उपस्थिति में खालसा क्रिकेट क्लब तालाब तिल्लो व नाइट राइडर्स सिंबल कैंप की टीमों के मध्य मुकाबला खेला गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं और नॉकआउट आधार पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर एसपी आदिल हमीद, एसडीपीओ आरएस पूरा शाबिर खान और एसएचओ मीरान साहिब हरमोहिंदर सिंह भी मौजूद रहे। एक बहुत अच्छी पहल, एक बहुत अच्छी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू के द्वारा यहां पे की जा रही है। डे एंड नाइट मैचेस का टेनिस बॉल में यह नया ऑपरेशन कर रहे हैं। 13 ओवर्स की मैचेस चलेगी। 32 टीम्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया है पुलिस मार्टिस मेमोरियल इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। फर्स्ट विनर प्राइस हम 30,000 और रनर अप के लिए 15,000 का प्राइस हमने यहाँ पे रखा हुआ है। हमारा ये प्रयास है, हमारा ये एक कोशिश है कि क्रिकेट के जो नए नए फॉर्मेट्स हैं, जिसमें कि मैंने देखा युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, जिसको डे एंड नाइट मैचेस जो अभी अभी जो हाल फिलहाल आईपीएल कंक्लूड हुआ, तो उसमें देखने को ये मिला कि डे एंड नाइट मैचेस को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और उस फॉर्मेट का अनुभव यहाँ के हमारे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन लोगों को मिले, नए नए फॉर्मेट्स हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनाएँ और उस तरफ आगे बढ़ें, उस दिशा में लिया हुआ ये पहला कदम है। और मैं आपके द्वारा सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, पर्टिकुलरली जो क्रिकेटर्स हैं और जो उनके फैंस हैं, ये एक शुरुआत है। यहाँ पे हम इसको एक ट्रायल बेसिस या जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा उत्साह लोगों में और क्रिकेट की खेलने वालों खिलाड़ियों में रहेगा, उसी हिसाब से इसको हम लेदर बॉल पर और बड़े लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसको आगे खेलेंगे। अभी अभी मार्टिस मेमोरियल हमने लेदर बॉल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और उसमें एक टैलेंट हंट की तरह हम उसको देख रहे हैं। उसमें जिसने भी अच्छी बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, और उसको हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेंज लेवल के रिकमेंड कर रहे हैं, फिर जोनल लेवल और उसके बाद पूरे यूटी लेवल पर वहाँ से टैलेंटेड प्लेयर्स को हम लेने वाले हैं, जिसको आगे फिर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहीं पे उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग करके या किसी तरीके से एक टैलेंट हंट की तरह इसको देखते हैं। तो ये एक नया फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट रेयरली ट्राई किया जाता है डे एंड नाइट क्रिकेट का। उस दिशा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की तरफ से एक ये पहल की गई है। मेरे ऑफिसर्स एसडीपी आरएस पुरा, शबीर खान, उसके हेडक्वार्टर्स आदिल साहब, इन लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और हम लोग काफ़ी उम्मीद है हमें इससे कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगा। सभी लोगों का साथ रहेगा तो उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। मैं बीटीसी चेयरमैन और मेरे साथ दिलीप कुमार, मेरे साथ मेरे सरपंचेस राजा जी, सोडी जी, हमारे मंडल के प्रधान विजय जी और हमारी बाकी टीम। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये जो टूर्नामेंट है ये एक दूरदर्शिता है। इसमें पहली बात तो ये है कि एक जो पुलिस और पब्लिक में एक जो बॉन्ड है वो मजबूत होता है, आपस में विश्वास बनता है। दूसरी बात, जो बच्चे हमारे आगे निकल के आ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा है, उनके लिए एक मोटिवेशन है। तीसरी बात, जो बच्चे हमारे नशे की तरफ बढ़ गए हैं, वो बच्चे अगर ये वो रास्ता छोड़ के स्पोर्ट्स तरफ आते हैं तो ये एक सबसे बड़ा सोसाइटी को एक प्लस पॉइंट होगा। जो हमारा जेएनके की जो पुलिस ने हमारा ये जो टूर्नामेंट रखा है, ये हमारे इलाके में पहली तरह का इस तरह का टूर्नामेंट है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और हमने अपनी तरफ से इस टूर्नामेंट में 32 मैच हैं और 32 मैचों में जो मैन ऑफ द मैच हैं उनको अपनी तरफ से हम 32 बैट हर मैच में हम अपनी तरफ से देंगे, ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो इसमें इंटरेस्ट लें। और जो प्रशासन, जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको हमारी तरफ से ये एक सपोर्ट होगी और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता रहे और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना हमसे होगा हम तन मन से
डिपार्टमेंट को हेल्प करेंगे ताकि हमारे जो बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान दें ताकि वो आगे निकले और अब स्टेट का नाम रोशन करें, हमारे आरएसपी का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़, जम्मू।